ये है ईस्ट दिल्ली का सबसे पुराना और फेमस मॉल। आज है संडे, यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं। ये बाहर यहाँ पे पार्किंग वगैरह, खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह भी हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। चलिए थोड़ा आगे चल के आपको बताता हूँ। अभी रामलीला वगैरह भी चल रही है तो थोड़ी और ज़्यादा भीड़ मिल रही है। अंदर भी आपको दिखाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना, और भी चीज़ आपको बताऊंगा। यहाँ पे बच्चों के लिए झूले वगैरह भी हैं, और लेफ्ट में ये अभी थोड़े दिन से बंद करा हुआ है, वरना पूरा एक्टिव था। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। चलिए अंदर चलते हैं मॉल के। यहाँ पे आप रिलैक्स भी कर सकते हैं चेयर्स पर, जैसे कर रहे हैं। ये कार राइड्स के लिए भी आप देख सकते हैं, जैसे बच्चे यहाँ पे कार राइड्स वगैरह कर रहे हैं। आप अपने बच्चों के साथ भी आ सकते हैं, फैमिली वगैरह से यहाँ पे आके टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तरफ आप आएंगे तो यहाँ से भी एंट्री वगैरह आपको मिलेगी। यहाँ पर थोड़ा सा आगे आने के बाद बच्चों के लिए और यहाँ पर प्ले जोन वगैरह बना रखा है। चलिए आपको आगे ले जाता हूँ मैं, देखिए। यहाँ पे आपको आगे मैकडी वगैरह मिल जाएगा खाने के लिए, पूल वगैरह भी है, यहाँ पे आप पूल वगैरह भी खेल सकते हैं। और लेफ्ट में आप देख सकते हैं क्लब है, आपको क्लब वगैरह भी मिल जाएगा। आगे आपको मैकडी के साथ में एक और बार मिल जाएगा बिग डैडी के नाम से। आप हम ये फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं, लेफ्ट में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे आपको स्पा वगैरह मिल जाएंगे। आपको मसाज वगैरह करानी है तो आप वहाँ पे करा सकते हैं। चलिए, इस मॉल का नाम है क्रॉस रिवर मॉल। ये इस दिल्ली का सबसे पुराना मॉल है, और यहाँ पे आप बस वगैरह से भी आ सकते हैं। ये इस मेट्रो स्टेशन यहाँ पर करकटुमा का है, यहाँ पर कैब वगैरह सब अवेलेबल रहती हैं बाहर। चलिए आगे चल के आपको दिखाता हूँ। नीचे देख सकते हैं कैफे कॉफ़ी डे भी है, और वहाँ पे और इसके लेफ्ट में आप देख सकते हैं वर्चुअल रियलिटी की गेम भी है, जिसमें आप एंजॉयमेंट वगैरह कर सकते हैं। और अभी उसके साथ में एक पंडित जी भी बैठते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट, जिस फ्लोर में लेफ्ट में स्कैरी हाउस भी है। यहाँ पे आपको यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी मिल जाएंगे, और क्लीन रहते हैं तो आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली। सामने आप देख सकते हैं पेंटलून वगैरह भी है। इसके थर्ड फ्लोर पे जो है आपको सिनेपोलिस भी मिल जाएगा, उसकी टिकट नीचे से मिलती है। और ऊपर 3D वगैरह में भी आप मूवी वगैरह का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ में आपको 9D का सिनेमा भी मिल जाएगा, जो कि 100 रुपये की एंट्री है, आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। 3rd फ्लोर पे आए हैं तो यहाँ पे पार्टी वगैरह के लिए हॉल वगैरह बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेफ्ट में आपको मिरर मेज वगैरह का दिख जाएगा, जो आप यहाँ पे जाके टाइम पास कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 2nd फ्लोर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह है, इसमें पार्टी वगैरह के लिए भी आप इसे बुक कर सकते हैं, 60-65 बंदों का बुक हो सकता है। आगे यहाँ पे भी इस पर फियर फन वगैरह बना हुआ है, और आगे चल के आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये बेसिकली फैमिली वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा मॉल है, आप यहाँ पे आके फुल एन्जॉयमेंट वगैरह कर सकते हैं। आपको यहाँ पे खाने पीने से लेके एन्जॉयमेंट तक भी सब चीज़ें मिलेंगी। 2nd फ्लोर पे थोड़ा सा आगे आने के बाद आपको यहाँ पे कार्स वगैरह की भी दिख जाएगी, और अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे तो कोई साइन नहीं होता, तो काफ़ी कम बंदों को पता है। यहाँ पर राइट में गेमिंग जोन भी है, यहाँ पे आपको बॉलिंग से लेके काफ़ी कुछ मिल जाएगा। मैं चलो आपको चल के दिखा रहा हूँ, ये देखिए गेमिंग जोन, देखिए यहाँ पे बहुत कम बंदों को यहाँ पे पता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोर्ड वगैरह बाहर लगा नहीं रखा।
बॉलिंग वगैरह का भी कुछ टाइम है, आज संडे है तो थोड़ा ये एक्टिव है, वरना और दिनों में तो ये सब खाली ही रहता है। आज आप टिकट वगैरह ले सकते हैं काउंटर से। देखिए गेम्स यहाँ पे 7D बना हुआ है, 9D नीचे था। 7D का एक्सपीरियंस हमने करा था तो काफ़ी बेकार है, तो मैं भी आपको सलाह दूंगा कि यहाँ पे 7D का एक्सपीरियंस मत करना। बाकी आपको बॉलिंग में दिखाता हूँ, देखिए यहाँ की बॉलिंग एक बारी में 2 जने कर सकते हैं यहाँ पे बॉलिंग। देखिए गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ आपके लिए। और शायद नेक्स्ट मंथ लाइक एंड दबाना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह मिल सकें। सिनेपोलिस के लिए आपको टिकट वगैरह के लिए टिकट घर मिल जाएगा आपको, यहाँ से आप टिकट वगैरह ले सकते हैं मूवी के लिए। आपको दिखाता हूँ थोड़ा, 9D अभी बना है, बाकी फुटवेयर वगैरह आगे भी शॉप्स वगैरह हैं, आप देख सकते हैं आगे। कैंडी हाउस वगैरह सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको नीचे फ्री पार्किंग में मिल जाएगी, जो जहाँ पे आप अपनी कार और बाइक वगैरह आपको टू व्हीलर वगैरह पार्क कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लिया जाएगा। और गार्ड्स वगैरह सब रहते हैं, सब सिक्योरिटी वगैरह रहती है यहाँ पे, तो फ्री पार्किंग है। ये इस मॉल की पार्किंग है, आप देख सकते हैं स्पेस वगैरह, काफ़ी बड़ी पार्किंग है, तो आपको स्पेस वगैरह की कोई दिक्कत होने नहीं वाली। आप देखिए यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी वगैरह सब है, तो गाड़ी चोरी होने का भी कोई डर नहीं है। फ्री पार्किंग है, जितने मर्ज़ी व्हीकल लाइए, जितने मर्ज़ी लोगों को लाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे।